हाँ जी, वंस अगेन वेलकम बैक। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द एनर्जी लेवल डायग्राम्स और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स। देखिए, सबसे पहला एग्जांपल है हमारे पास H2। देखिए, इसमें दो हाइड्रोजन एटम इन्वॉल्व हैं। दोनों की कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s1, 1s1। ठीक है जी, ये दोनों अटोमिक ऑर्बिटल्स हो गए। सेंटर में हमारे क्या बनते हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। एज वी हैव स्टार्टेड कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं वो कितने बनते हैं? जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं। देखिए, ये दो एटम्स के ऑर्बिटल्स हो गए तो कितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं? 2। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स भी कितने बने? 2। जिनकी एनर्जी लोअर है दैट इज़ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिनकी एनर्जी हायर है दैट इज़ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब देखिए, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन आया, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन आया। ऐसा नहीं होगा कि ये इलेक्ट्रॉन ऊपर जाए। क्यों? पहले लोअर एनर्जी के ऑर्बिटल्स कम्प्लीटली फिल होंगे, तब इलेक्ट्रॉन उससे नेक्स्ट में जाएगा। जैसे कि हमने रूल्स पढ़े हुए हैं, आबा रूल, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हंस रूल, इन सब रूल्स को फॉलो करते हुए ये इलेक्ट्रॉन्स पहले इस ऑर्बिटल को फिल करेंगे। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? 2। वो दो के दो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ कम्प्लीटली फिल हो गए। चलिए, अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। σ1s2, बस इसी में दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऊपर इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो वो कॉन्फ़िगरेशन में हम मेंशन नहीं करेंगे। स्टेबिलिटी चेक करते हैं। कैसे चेक करते हैं? अगर Nb greater than Na है तो स्टेबल, अगर कोई और कंडीशन हुई तो वो अनस्टेबल। देखिए, Nb मीन्स बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स। देखिए, बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2। और एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं? 0। तो दैट मीन्स Nb इज़ ग्रेटर देन Na, तो हमारा मॉलिक्यूल क्या हुआ? स्टेबल। बॉन्ड ऑर्डर कैसे कैलकुलेट करेंगे? हाफ Nb minus Na। देखिए, Nb में 2 इलेक्ट्रॉन्स, Na में 0। इसको कैलकुलेट करेंगे, हमारा बॉन्ड ऑर्डर क्या आ रहा है? 1। अब देखिए, नेचर कैसे डिसाइड करी? सेंटर के सारे ऑर्बिटल्स देखिए, ये तो वेकेंट है, वेकेंट को हमने नहीं देखना। फिल्ड सिर्फ कौन से हैं? ये वाले। इसमें क्या है? ये बॉक्स कम्प्लीटली फिल्ड है, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, सो दिस मॉलिक्यूल इज डाया मैग्नेटिक। देखिए, यहाँ पे भी ये चीज़ कंसीडर हो रही है। आपने VBT थ्योरी में भी पढ़ा था कि H2 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है। यहाँ पे भी देखिए, स्टेबल आ रहा है, तो दैट मीन्स अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बेसिस पे, तो आप इस बेसिस पे भी आंसर कर सकते हैं कि H2 मॉलिक्यूल स्टेबल है, दैट्स वाई इट एग्जिस्ट। ठीक है जी, नेक्स्ट एग्जाम्पल चलिए देखिए। नेक्स्ट इज Li2, लिथियम। ठीक है जी, दो लिथियम के एटम्स ले लिए हमने, एटॉमिक नंबर इज 3, 1s2, 2s1, 1s2, 2s1। देखिए, ये 1s के ऑर्बिटल्स हो गए, ये 2s के ऑर्बिटल्स हो गए। 1s के दोनों के पास कितने ऑर्बिटल्स हैं? एक एक, एक 1s का ऑर्बिटल, एक 1s का ऑर्बिटल। कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2, 2। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कितने बने? 2, क्योंकि आपके पास दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं। यहाँ पे 2s के कितने ऑर्बिटल्स हैं? एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, तो टोटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी कितने बनेंगे? 2। चलिए, अब देखिए, 1s में टोटल यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स, टोटल इलेक्ट्रॉन्स हो गए आपके 4। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ। 2s में यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन, 2s में यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स आपके यहाँ। तो आपकी कॉन्फ़िगरेशन क्या बन गई? σ1s2, σ*1s2, σ2s2। ठीक है जी, स्टेबिलिटी देखते हैं। बिना स्टार वाले बॉन्डिंग और स्टार वाले एंटी बॉन्डिंग। देखिए, बिना स्टार वाले 2 एंड 2, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4। एंटी बॉन्डिंग स्टार वाले जिनमें इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सिर्फ यही है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2। तो दैट मीन्स आपका बॉन्ड ऑर्डर क्या आ गया? 1। और हमने ये भी देखा कि जो Nb में इलेक्ट्रॉन्स हैं वो Na से ज़्यादा हैं, तो हमारा मॉलिक्यूल हो गया स्टेबल। सेंटर में देखिए, सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं। अगर सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं तो दैट मीन्स हमारा मॉलिक्यूल कैसा है? डाया मैग्नेटिक। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज N2 मॉलिक्यूल। देखिए, हमने यहाँ पे 2s से स्टार्ट किया है। अगर आप चाहें तो आप 1s से भी स्टार्ट कर सकते हैं। 2s से क्यों स्टार्ट किया है? क्योंकि नॉर्मली हम जब ऑर्बिटल्स बनाते हैं तो लास्ट के जो वैलेंस ऑर्बिटल्स हैं वही बनाते हैं। तो अगर आप वो 1s भी ड्रॉ करेंगे देन ऑल्सो इट्स फाइन, नहीं भी ड्रॉ करेंगे देन ऑल्सो इट्स फाइन। ठीक है, लेकिन आपको कॉन्फ़िगरेशन ज़रूर लिखनी है उसकी। देखिए,
एक सिंपल सा ट्रिक है, नाइट्रोजन के केस में 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम या उससे कम वाले में एक कंसेप्ट चलता है 21-21, 2-1-2-1। अब क्या है ये 2-1-2-1? देखिए 2-1-2-1 ये कहने का मतलब है, देखिए अब 2s में तो दोनों के दो दो इलेक्ट्रॉन्स हो गए, टोटल हो गए 4, दो यहाँ आ गए, दो यहाँ आ गए। 2p में इसके इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं 3, इसके 2p में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 3, टोटल ऑर्बिटल्स कितने हो गए 6। अब वो 6 ऑर्बिटल्स ऐसे अरेंज नहीं होते यहाँ पे कि 3 यहाँ आ गए और 3 ऊपर चले गए, इनकी एनर्जी वेरी कर रही है, ठीक है जी। अब देखिए अगर आपको याद हो N2 में ट्रिपल बॉन्ड बनता है, तो दैट मीन्स दो पाई बॉन्ड होते हैं आपके पास, तो मैक्सिमम पाई बॉन्ड कितने बन सकते हैं? दो बन सकते हैं। तो हमारे पास पाई ऑर्बिटल्स कितने होते हैं? 2, और सिग्मा कितने होते हैं? 1। देखिए पाई वाले की एनर्जी यहाँ पे लोअर होती है, सिग्मा की हायर होती है, सेम इज़ द केस ओवर हियर। तो इसीलिए सिर्फ ट्रिक एक याद है करने के लिए बोला गया है 21-21, सो दैट यू मे कीप इन माइंड, आप सिंपली याद रख सकते हैं, इट्स वेल एंड गुड। देखिए 3 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ, 3 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए 6। अब देखिए इनकी फीलिंग कैसे करेंगे, 1-2-3-4 लोअर एनर्जी के पूरे हो गए ऑर्बिटल्स, अब आएंगे 5-6, ठीक है जी। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, σ1s2, σ*1s2, σ2s2, σ*2s2, π2px2, π2py2 एंड σ2pz2। भले आपने यहाँ पे 1s के बॉक्स नहीं बनाने, बट आपको कॉन्फ़िगरेशन ज़रूर लिखनी है, रेस्ट इज़ योर विश whether यू वॉन्ट टू मेक इट और नॉट। चलिए स्टेबिलिटी, अब देखिए NB में इलेक्ट्रॉन्स NA से ज़्यादा है, काउंट कर लेते, बिना स्टार वाले काउंट करते, 2, 4, 6, 8, 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं NB में, NA में 2, तो दैट मीन्स NB इज़ ग्रेटर देन NA, तो मॉलिक्यूल क्या हुआ, स्टेबल। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा, दैट इज 3। सारे ही सारे मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो है पेयर्ड, सो दैट मीन्स हमारा मॉलिक्यूल कैसा हुआ, डाया मैग्नेटिक। जैसे ये मॉलिक्यूल ड्रॉ किया, इसी तरह हम आयंस की भी बना सकते हैं, N2 पॉजिटिव, N2 नेगेटिव, N2 पॉजिटिव, N2 नेगेटिव, ठीक है। सिर्फ इनमें क्या इलेक्ट्रॉन आपको कम या ज़्यादा करने हैं, ठीक है, वो आपकी मर्ज़ी है, आप जिस मर्ज़ी में से कर सकते हैं। हाँ, अगर ऐसा है कि N2 पॉजिटिव आ रहा है, तो दैट यू हैव टू कीप इन माइंड कि दोनों N में से आप इक्वली, ऐसा नहीं है कि दो के दो इलेक्ट्रॉन आप एक ही नाइट्रोजन में से निकाल देंगे, एक इलेक्ट्रॉन आप इस नाइट्रोजन से निकालेंगे, एक इसमें से निकालेंगे। अगर 2 नेगेटिव है तो एक इसमें ऐड करेंगे, एक इसमें ऐड करेंगे, ठीक है जी। सो दैट मीन्स दीज थिंग्स यू हैव टू कीप इन माइंड वाइल डूइंग दीज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ऑफ आयंस। चलिए लास्ट वन, दैट इज O2। देखिए O2 की कॉन्फ़िगरेशन है 1s2, 2s2, 2p4। अब देखिए 2s2 के हमने बना दिए, 2p4 चेक करते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ, 4 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ। O2 में आपको क्या ध्यान रखना है, 12-21, वहाँ 21-21 था, यहाँ 12-21, मतलब 1-2-2-1, ठीक है। 16 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है उससे ऊपर वालों के लिए आपको ये बनाना है, तो आपके पास सिलेबस में एटॉमिक नंबर 1 से लेकर 10 तक के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इन्वॉल्व होंगे, ठीक है जी। अब देखिए 4 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ, 4 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ, टोटल हो गए 8, 1-2-3-4-5-6, क्या बोला, 1-2-3-4-5-6, 7 एंड 8, इस तरह से आपकी कॉन्फ़िगरेशन होगी। चलिए फिलिंग होगी, अब देखिए कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी, σ1s, σ*1s, ठीक है, उनमें दो दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, दैट मीन्स क्या हो गया, σ1s2, σ*1s2, σ2s2, σ*2s2, σ2pz2, π2px2, π2py2, π*2px1 एंड π*2py1। चलिए इन द सेम वे आपके पास NB में इलेक्ट्रॉन्स NA से ज़्यादा हैं, तो मॉलिक्यूल आपका कैसा होगा, स्टेबल, ठीक है जी। सेम वे यू विल कैलकुलेट द बॉन्ड ऑर्डर, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं, तो हमारा मॉलिक्यूल कैसा है, डायमैग्नेटिक। इन द सेम वे यू हैव टू ड्रॉ फॉर दीज आयंस, O2 नेगेटिव आयन को बोलते हैं सुपर ऑक्साइड आयन, और O2 नेगेटिव को बोलते हैं पर ऑक्साइड आयन, दीज थिंग्स यू हैव टू कीप इन माइंड। सो दिस वॉज ऑल अबाउट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी।
In the next video, we will start with a new topic, that is dipole moment. Till then, thank you so much. Keep studying.